फैंस का प्यार अपनी फेवरेट आईपीएल टीम और प्लेयर्स के लिए हम काफ़ी हद में देख रहे हैं इस आईपीएल सीजन में, जहां पे देखा जा रहा है कि फैंस अलग अलग तरह के बोर्ड्स लेके आ रहे हैं जहां बहुत अलग अलग बातें लिखी होती हैं। हाल ही में हमने देखा बेंगलोर के मैच में एक फैन ने लिखा था कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक बेंगलोर की टीम आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीतेंगी। कुछ तो ऐसा लिख देते हैं कि मैं अपनी पत्नी को झूठ बोल के आया हूँ आईपीएल देखने के लिए एक ऑफिस के काम के बहाने से। लेकिन अब तो सीधा एक खिलाड़ी के लिए शादी का प्रपोजल आ गया है, और वो दिया किसने है बताएंगे आपको इस वीडियो में, किसके लिए आया शादी का प्रपोजल वो भी आपको बताया जाएगा। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ लक्षित। कल का मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स जहाँ मिली थी राजस्थान रॉयल्स को। मुकाबले में हालांकि श्रेयस अय्यर को एक हार का सामना करना पड़ा जहां उनके बल्ले से 80 से ज़्यादा रन आए थे, और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे एरन फिंच के साथ जिन्होंने कोलकाता की टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया था और जीत के कुछ पास लेके गए थे। लेकिन अंत में उस मुकाबले में हार मिली थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। लेकिन मुकाबला ख़त्म होने के बाद एक ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है कोलकाता नाइट राइडर्स के ट्विटर हैंडल पे, जहां हमने देखा कि एक फ़ैन थी उनकी जिन्होंने लिखा था कि अपने बोर्ड पे एक शादी का प्रस्ताव लेके आए थे कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए, और प्रस्ताव भी कोई सिंपल सा नहीं था। प्रस्ताव के ऊपर साफ साफ लिखा गया था कि उनकी माता जी, उन्होंने कहा कि शादी कर लीजिए, तो वो सीधा श्रेयस अय्यर से पूछ रही थी क्या क्या आप उनसे शादी करेंगे। इसकी फ़ोटो आप मेरे पीछे ऑलरेडी देख सकते हैं। फैंस का जो उमड़ापन है अपने प्लेयर्स के लिए वो हम देखते रहते हैं, और ये काफ़ी हदें पार कर रहा है इस आईपीएल सीज़न में। देखना होगा आने वाले सीज़न में हदें कहां तक जाती हैं, और क्या श्रेयस अय्यर एक शादी के बंधन में बन जाते हैं अपनी इस फैन के साथ। तब तक के लिए अब लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मौका मिले एक बिलबोर्ड पर कुछ लिखने का, आईपीएल के ग्राउंड में जाके अपनी फेवरेट टीम को दिखाने का, तो क्या लिखेंगे आप। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।